बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड इट्स अनदर नेम इज सेंट्रीफ्यूगेशन। मींस कि हम देयर इज एन इम्पॉर्टेंट और अनदर टेक्निक जिसके अंदर जो है वो हम सेल की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ फ्रैक्शनेशन। So what is the definition of fractionation? The cell fractionation is where cells are broken up and its component and organelles are separated so that the scientist can observe them in isolated form. यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल को ब्रेकअप किया जाता है उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स में और उसकी ऑर्गेनेलीज में, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट सेल इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है वो ब्रेकअप होते हैं अपनी ऑर्गेनेलीज में, तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं देन। और अनदर डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट और फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। ओके, इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर रप्चरिंग सेल, सेपरेशन एंड सस्पेंशन ऑफ अ सेल कॉन्स्टिट्यूट इन एन आइसोटोनिक मीडियम इन ऑर्डर टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर, देयर केमिकल कंपोजिशन एंड देयर फंक्शन। यानी कि हम क्या करते हैं, सेल को रप्चर करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको सस्पेंशन बना देते हैं उसके कंपोनेंट्स का, ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। उसके जो भी हम सेल, फॉर एग्जांपल मैं माइटोकॉन्ड्रिया को रीड करना चाहती हूँ, तो मैं सेल को जो है वो पूरे इस प्रोसेस के थ्रू इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकालूंगी और उसको मैं स्टडी करूँगी, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन, द सेकंड वन इज होमोजेनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेल्फ फ्रैक्शनेशन नंबर वन, पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक टिश्यू ले लेते हैं जिसको हम जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कट कर लेते हैं, और उस टिश्यू को हम सबसे पहले एक मीडियम के अंदर रखते हैं जो कि कैसा होता है, आइस कोल्ड एंड आइसोटोनिक बफर मीडियम। ये आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू टू बी स्टडीड इज कट इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड प्लेस्ड इनटू एन आइस कोल्ड आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन। बिकॉज आइस कोल्ड हम क्यों लेते हैं, ताकि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर कोई भी हो रही हो वो स्टॉप हो जाए। आइसोटोनिक मीडियम कैसा होता है, सेम कंसंट्रेशन होती है वाटर और पोटेंशियल, या सेम कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल सेम होता है अंदर बाहर दोनों, ताकि ऑस्मोसिस जो है वो रुक सके, ठीक है। बिकॉज अगर ऑस्मोसिस होगी तो एट दैट टाइम जो है ऑर्गेनेलीज डैमेज होने का खतरा है। तो आइसोटोनिक मीडियम, सेम मीडियम लेंगे तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। और बफर टू कीप द पीएच कॉन्स्टेंट, ठीक है, ताकि प्रोटीन जो है वो डीनेचर ना हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं, उसको हम लोग बफर सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। ओके, द सेकेंड स्टेप इज होमोजेनाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, ये एक मॉडर्न टेक्निक है, अच्छा, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं कि इस टिश्यू को जिस कल्चर मीडियम के अंदर हमने रखा था और सब कुछ दिया था, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है एक होमोजेनेट बन जाता है बाय प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। जो हम सस्पेंडेड सेल लेते हैं या जो टिश्यू लेते हैं उसके अंदर सेल सस्पेंड हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। पहले तो हमने क्या लिया, हमने एक टिश्यू लिया था। जब उस टिश्यू को हमने जो है वो आइसोटोनिक मीडियम के अंदर रखा और उसको हमने जितनी भी उसकी कंडीशंस थी वो उसको प्रोवाइड की, तो देन एज अ रिजल्ट हमारे पास होमोजेनेट बन जाएगा। होमोजेनेट यानी कि हमारे पास एक सस्पेंशन सा बन जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि वो जो टिश्यू होगा उसकी वॉल्स जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगी और सेल्स एक दूसरे से इकट्ठे होना शुरू दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम हम जो है वो इसको इजीली स्टडी कर सकेंगे। और ये किस तरह होता है, ग्राइंडिंग के थ्रू होता है, ऐसे ग्राइंडर टाइप्स होते हैं, उसके अंदर आप जो है वो टिश्यू को डाल के वहाँ पे आप कर सकते हो, हाई प्रेशर देते हो, ठीक है। नाइट्रोजन बॉम्ब वगैरह, इस नाइट्रोजन वगैरह को यूज़ करते हो, सोनिकेशन की जाती है यानी कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस दी जाती हैं, और ग्राइंडिंग जो है पिस्टर और मोटर के थ्रू भी की जाती है, ठीक है। ये पोटर हमारे पास होमोजेनाइजर होता है, हाई स्पीड ब्लेंडर होता है, उसके थ्रू भी की जाती है, आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को रखते हैं और वहाँ पे जो है वो होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर टिश्यूज़ की सेल वॉल रप्चर हो जाती हैं, सेल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और वो कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होते हैं, ग्राइंडिंग, हाई प्रेशर देती हैं, वाइब्रेशंस दी जाती हैं अल्ट्रासोनिक, इसके अलावा पिस्टर मोटर के थ्रू जो है वो उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ओके,
देन होमोजेनिटी इज़ प्लेस्ड इन द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है कि अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस होमोजेनेट को, इस सस्पेंशन को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं और उसको हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देती हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तक। ठीक है, आपकी बुक के अंदर डिफरेंट होगा, पहले 800 ग्राम दिया जाएगा, फिर करते करते जो है वो 20,000 ग्राम जो है वो उसकी ग्रेविटी स्पीड उसकी बढ़ाई जाएगी, फिर करते करते जो है वो आगे जो है वो इस तरह जो है वो ग्रेविटी उसकी बढ़ती जाएगी स्पीड। ठीक है, 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए, फिर 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब एक सेंट्रीफ्यूज जो है, जब भी मैं आपको नेक्स्ट इमेज के अंदर दिखाऊंगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि होमोजेनेट को रख लेते हैं। अब क्या होता है, हम उसकी स्पीड और साथ क्या करते हैं, उसको उसको फोर्स देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास वो जो ट्यूब के अंदर हमने मिक्सचर डाला होता है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर वो चल रही होती है। हम उसको जो है उसका टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, साथ साथ हम उसकी जो फोर्स है वो भी लगाते हैं। तो एट दैट टाइम हमारे पास सेडिमेंट्स बन जाती हैं एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, दैट इज़ कॉल्ड अ पैलेट। तो हमारे पास जो बॉटम में उसके ट्यूब के जो सेडिमेंट्स बनते हैं उनको पैलेट कहा जाता है, और जो सोल्यूशन जो ऊपर रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ सुपरनेटेंट। ठीक है, then overlying solution is then placed in another centrifuge tube which is then rotated at higher speed। अब क्या होता है, हमारे पास जो supernatant जो ऊपर हमारे पास रह जाता है क्या कहते हैं उसको, supernatant liquid part जो होता है उसको हम दोबारा से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको दूसरी ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, जबकि जो पैलेट था दैट इज़ अ सॉलिड पार्ट उसको वो नीचे रह जाता है। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि सोल्यूशन हमेशा बॉटम की तरफ आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ डेली लाइफ से कि आप लोग क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं, उसको आप किसी भी पानी के अंदर रखते हैं और उसको मिक्स करते हैं, पानी के अंदर सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद सॉइल नीचे बैठ जाती है, जबकि ऊपर वाली सरफेस पे आपको स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जो नीचे सॉइल बैठ की आप उसको कह सकते हो दैट इज़ कॉल्ड अ पैलेट, दैट इज़ अ सॉलिड पार्ट, और जो ऊपर लिक्विड बैठ के उसको आप कह सकते हो दैट इज़ अ सुपरनेटेंट। ठीक है, तो इसी तरह फिर आप क्या करते हो, आपने सॉइल के पार्टिकल्स को स्टडी करने, आप क्या करोगे, वो जो ऊपर वाला आपके पास आएगा सुपरनेटेंट, आप उसको दोबारा से लेंगे लिक्विड पार्ट को और उसको फिर एक और ट्यूब के अंदर डालेंगे, फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे, साथ साथ आप जो है वो उसको फोर्स और साथ उसको टाइम देंगे। तो एट दैट टाइम क्या होगा, फिर दोबारा से वो जो है वो स्पिन अप होता जाएगा, जैसे कि मशीन चल रही होती है या ऐसा कुछ, या ब्लेंडर की तरह वो बार बार सेंट्रीफ्यूज मशीन जब हम ऑन करते हैं, हमारी कॉलेज के अंदर भी है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि फिर दोबारा से जब हम रोकते हैं, फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स के लिए आप करते हो, फोर्स बढ़ा देते हो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, 20,000 जो है वो आप अपनी फोर्स रखते हो, तो एट दैट टाइम क्या होता है, फिर दोबारा से हमारे पास लिक्विड पार्ट बन जाता है और सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट बन जाता है दैट इज़ अ सुपरनेटेंट, और जो सॉलिड पार्ट बन जाता है पैलेट। फिर करते 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 अच्छा पहले जब हम करेंगे यहाँ पे जब फोर्स देंगे और हम लोग जब 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए रखेंगे, तो जो सॉलिड पार्ट बनेगा वो हमारे पास उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट जिसको हम पैलेट बोलेंगे, जो कि नियर द बॉटम आएगा अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, तो उसके अंदर न्यूक्लियाई होगा। तो इट मींस आप न्यूक्लियाई की स्टडी अब कर सकते हो, आपने न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस को अलग कर दिया, उसकी स्टडी की। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ इससे आगे क्या होता है। So what is centrifugation? It is centrifuge is a device for separating particles from a solution according to their size, shape, density and viscosity of a medium and rotor speed. कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती हैं उनको रखते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मैंने कहा पार्टिकल जो हैं वो जो सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो किस तरह अलग हुए, तो वो किस बेस पे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप डेंसिटी विस्कोसिटी। हमें किस तरह पता चलता है कि सेल के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे वो अलग हो रहे हैं, तो कहते हैं कि वो अपनी से अपनी जो मास पर वॉल्यूम या डेंसिटी के लिहाज से जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो एट दैट टाइम हमारे पास जिनका वॉल्यूम या मास ज़्यादा होता है, जिनका मास जो है मास पर वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज़ करती है जिनकी डेंसिटी, तो वो नियर द बॉटम होते हैं, और जो लाइटर इन वेट होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड सुपरनेटेंट पैलेट। ठीक है, तो ये इसका सेकंड स्टेप था, पहला था होमोजेनाइजेशन, फर्स्ट था एक्सट्रैक्शन, द सेकंड वन इज़ होमोजेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन।
ये देखिए टिश्यू सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यू कैन सी इट, दिस इज दीज आर द टिश्यू सेल्स. द फर्स्ट प्रोसेस इज होमोजेनाइजेशन, वी ग्राइंड इट इन अ ग्राइंडर. और यहाँ पे क्या होगा कि जो टिश्यू होगा वो अपना क्या करेगा, अपनी जो उसकी जो उसकी सेल्स होंगे या सेल वॉल होगी वो रप्चर हो जाएगी. अब सेल डिफरेंट हमें नज़र आ रहे हैं, होमोजेनेट बन गया. उस होमोजेनेट को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, ये देखिए डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं, उसके अंदर हमने रख लिया और यहाँ पे हम स्पिन अप करेंगे इसको. ठीक है, ओके. द सेकंड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन. आई टोल्ड यू द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनेल्स आर आइसोलेटेड. नाउ वी कैन स्टडी दीज ऑर्गेनेल्स इन अ प्रॉपर वे. Centrifugation, it is a procedure that involves the use of a centrifugal force for the sedimentation of a mixture within a centrifuge, and it is used in industry and in laboratory settings. Hamari laboratory ke andar bhi ye hota hai, hum log centrifugation wagaira karate hain. और अभी हमने लास्ट टाइम भी जो है वो कोशिश की थी. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम, मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो सेडिमेंटेशन होती है मिक्सचर की, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं अपने जो बॉटम ऑफ ट्यूब होती है वहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी तो हम वहाँ से जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं. ठीक है, सुपर नाइट्रेट अगली अगली ट्यूब में डालते रहते हैं जब तक हम इस जिस कंप्लेंट को हम रीड नहीं कर लेते तब तक, और जो पैलेट होता है उसको हम जो है वो लेके स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूक्लियाई आएंगे बिकॉज दीज आर लार्जर इन साइज, तो हम सबसे पहले सॉलिड पार्ट में से न्यूक्लियाई को इकट्ठा कर लेंगे सेलुलर डेब्रीज के अंदर से. ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज. ये देखिए आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब के अंदर मिक्सचर डाला हुआ है, ये देखें इस तरह आप सेपरेट कर सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूज है. In a centrifuge, as we rotate the substance, experience centrifugal force away from the center, which forces the material against the wall of tube. ऐसे होता है. ठीक है, ये भी centrifuge एक मशीन है, डिफरेंट होती हैं ये. तो हम इसको स्पिन करते हैं तो इस वजह से हमारे पास जो है वो हायर स्पीड के साथ स्पिन करते हैं. ठीक है, फिर मिनट्स बढ़ाते जाते हैं विद द टाइम, इवन के लास्ट जब ट्यूब आती है उसमें हम 3 hours तक उसका डिस्टेंस रख थ्री आवर तक उसका टाइम रख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या आया था पैलेट के अंदर निकला आया था, सेकंड पैलेट के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे, पैलेट जो बॉटम होगा हमारे पास ना सॉलिड पार्ट, फिर उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे. बाकी जो ऊपर दोबारा से सुपरनेटेंड आया लिक्विड पार्ट आया उसको दोबारा से हम एक और ट्यूब के अंदर रखेंगे. ठीक है, अपर सरफेस हमारे पास क्या आती है, सुपरनेटेंड आती है, और नीचे वाली हमारे पास पैलेट आती है. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन बाय स्पिनिंग दैम एट हाई स्पीड. स्पिनिंग कॉजेज द हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम. तो हमारे पास जो है स्पिनिंग की वजह से हेवियर पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं जबकि जो लाइटर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, वट इज़ पैलेट एंड सुपरनेटेंड. पैलेट द मटीरियल दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द बॉटम ऑफ अ ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इफ एनी इज कॉल्ड अ पैलेट. मटीरियल कंप्राइजिंग द पैलेट इज सेट टू बी सेडिमेंटेड. ऐसा मटेरियल जो कि बॉटम ऑफ ट्यूब पे होता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो बॉटम पे रह जाता है मटेरियल या कंपोनेंट्स उसको पैलेट बोलते हैं, और इस पैलेट को हम सेडिमेंटेड पैलेट भी कहा कहते हैं. जबकि सुपरनेटेंड क्या होता है, द ओवरलाइंग फ्लूइड इज कॉल्ड, जो ऊपर प्रेजेंट होता है लाइटर इन वेट होता है लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंड सॉल्यूशन, और सिंपल सुपरनेट बोलते हैं. ठीक है, और ये सुपरनेट जो होता है ना वो अगले अगले ट्यूब के अंदर जाता रहता है जब तक हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें मिल नहीं जाते. ठीक है, थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. ठीक है, तो इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और हमें सेग्रीगेटेड मटेरियल्स जो है वो मिलते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर साइज एंड डेंसिटी. और एट दैट टाइम हम लास्ट में हमारे पास राइबोसोम्स और ये हमें मिल जाते हैं, और हमें हर एक सेल का कंपोनेंट मिल जाता है और हम उसको बहुत ईजी वे में जो है वो स्टडी कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.